गया जिला के बेलागंज में ये सब तो हो ही रहा है, लेकिन आपको हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने शुरू से ही जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला आप लोगों के द्वारा 2005 के नवंबर में 24 तारीख से हम लोग आए और उसी समय से हम लोगों ने जो सेवा की है बिहार की, तो उसके बाद से हम लोगों ने बहुत लोगों के हक में काम किया है, पूरे इलाके के विकास के लिए काम किया है। लेकिन जो 2005 में हम लोगों ने शुरू किया था और उसके पहले जिन लोगों का शासन है आके वोट मांगते रहते हैं, और याद कर लीजिए खाली कि वो लोग तो कोई काम नहीं किए थे। आप सबको मालूम है कि जब उन लोगों का राज था हम लोगों के काम के पहले, तो शाम के बाद कोई घर से निकल नहीं पाता था, डर के मारे, ये हालत था उनके साथ। और किस तरह से था, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता रहता था, आज कहां होता है, उन्हीं लोगों के टाइम में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता रहता था। अब पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे और पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था, अब बिजली बहुत कम जगह पर थी। तो ये सब उन लोगों के सामने जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने सब के लिए काम किया, हर क्षेत्र के लिए काम किया है। आज जरा याद करिए कि जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था, अब हम लोगों के समय में कभी झगड़ा होता है? और जब हम लोगों ने क्या किया, 2006 में ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू कराई, उन लोगों का जो कब्रिस्तान था मुसलमानों का, वो हिंदू मुस्लिम के इलाकों में जो भी था बहुत तरह की उनको दिक्कतें होती थी। आज जब हम लोगों को पता चला कि कितना है, तो 8000 से ज्यादा कब्रिस्तानों की घेराबंदी हम लोगों ने की, और उसके अलावे उन लोगों के द्वारा पता चला कि 1237 और कब्रिस्तान हैं, तो उस पर भी काम हो रहा है। 766 तो हम लोग कर ही चुके हैं, वो भी बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, सब तरह से काम हो रहा। तो हम लोगों ने सबके हित में काम दिया। और जब हम लोगों ने मुसलमानों का काम किया तो हिंदुओं का भी हम लोगों ने देखा कि बहुत जगह हिंदू मंदिरों में जो किसी तरह से लोग मूर्ति चोरी लोग कर लेते हैं, इधर उधर गड़बड़ करते हैं, जो कुछ भी हम लोगों ने देखा, तो हम लोगों ने जितना भी 60 वर्ष से पुराने जितने हिंदू मंदिर थे उसका भी हम लोगों ने काम शुरू कर दिया घेराबंदी का। तो ये सब तरह से हम लोगों ने काम शुरू किया। और ये तो बात एक बताया, जब हम लोगों को मौका मिला तो क्या हाल था, भूलिएगा मत, याद रखिएगा कि किस तरह से शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, तो कैसा पढ़ाई, कम ही पढ़ाई होती थी, सब तरह से लोगों को काम नहीं होता था। तो इसके चलते हम लोगों ने इन सब चीजों के लिए भी पूरे तौर पर काम किया और हर तरह से इतना ज्यादा हम लोगों ने काम किया। हम लोगों ने सब के लिए, पढ़ाई के लिए, एक एक तरह शिक्षा के लिए भी हर तरह से हम लोगों ने काम किया। और लड़के लड़कियों के लिए तो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, तो 2006-07 में लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना की शुरुआत हम लोगों ने करा दी थी। और उसके बाद 2008 में जो 9वीं क्लास में लड़कियां पढ़ती थी तो उसके लिए हम लोगों ने साइकिल योजना की शुरुआत की थी। और जब साइकिल योजना की शुरुआत की महिलाओं का, तो आप सोचिए लड़कियां जो पढ़ती थी उस पर जाती थी स्कूल में, और जब शाम में घर आती थी तो अपने माता या पिता को वो लेकर के घुमाती थी। कैसी स्थिति थी, भूलिएगा मत, याद रखिएगा कि जब हम लोगों ने उन लोगों के लिए ये सब काम हम लोगों ने कराया तो किस तरह से उन लोगों के लिए सारा तरह से काम इन लोगों ने किया।
तो हम लोगों ने एक एक तरह से काम किया है और हर प्रकार से लोगों के हित के लिए ही हम लोगों ने पूरे तौर पर हर तरह से जो भी संभव था उन सब लोगों के लिए हम लोगों ने सब तरह से काम किया है। और आप जान लीजिए कि एक एक तरह से आप बिहार लोक सेवा आयोग में हम लोगों ने तो फिर अब जो सरकारी तौर पर, पहले तो हम लोगों ने सरकारी तौर पर नहीं किया था, तो उनको भी हम सरकारी में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावे बहुत ज्यादा की संख्या में 2,20,000 ज्यादा सरकारी शिक्षकों की बहाली हो गई, 1,00,000 की बहाली होने वाली है, हो रहा है। अब इसके अलावे जो लोग भी थी उस तरह से पहले जो परीक्षा में पढ़ती थी नियोजित शिक्षक में, सरकारी शिक्षक हम लोगों ने बनाने की कोशिश की है, करीब करीब 3,66,000 में 29,000 तो अपने परीक्षा देके इधर आ गई, फिर 1,67,000 को एक अलग परीक्षा लेकर के हम लोगों ने उसको शामिल किया है, और 1,50,000 के लिए दो बार से शुरू करा दिया है, और हम लोगों का है जितना संभव है उन सब लोगों के लिए काम करेंगे। तो हर प्रकार से एक एक तरह से सारा का सारा काम किया जा रहा है हर तरह से, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी पूरे तौर पर काम किया गया है। और इसके लिए आप समझ लीजिए कि जो कुछ भी थे पहले 2005 में जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रहता था तो उसमें कितना लोग पढ़ते थे, उसमें था मात्र 29 मरीज आते थे एक दिन में, एक या दो। लेकिन अब हम लोगों ने कितना काम शुरू किया स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने 11,000 लोग आते हैं। तो हर तरह से हम लोगों ने एक एक काम किया हर प्रकार से। आप जानते हैं मेडिकल कॉलेज भी 6 ही था पहले, अब मेडिकल कॉलेज को कितना हम लोगों ने बढ़ाए हैं, 11 और 15 को हम लोग बना रहे हैं, केंद्र सरकार की तरफ से 8 मेडिकल कॉलेज बनाने का केंद्र ने सहयोग दिया है, और इसके अलावे जो बाकी जिलों में है उन सब लोगों के बनाने के लिए हम लोगों ने शुरुआत कराना शुरू किया है, और उसके लिए सब तरह से काम कराया 6 से लेकर के आगे तक भी। और आप जानते हैं हर घर नल का जल, हर घर तक बिजली, हर घर शौचालय, टोलों को पक्की सड़क से जोड़ना, ये सब काम हम लोगों ने कितना करवाया। और उसके बाद भी जो कुछ भी सरकारी नौकरी और रोजगार भी हम लोगों ने पूरा उपलब्ध कराने की कोशिश की, जो हम लोगों ने तय किया 2020 में कि 10,00,000 को नौकरी देंगे, 10,00,000 को रोजगार देंगे। तो आप जरा जान लीजिए 10,00,000 को रोजगार की बात कहे, अब 24,00,000 को रोजगार हो चुका, 10,00,000 को और कर रहे हैं, अगला जो चुनाव हम लोगों का है उसके पहले आप समझ लीजिए कि 34,00,000 हो जाएगा। और जो हम लोग बता रहे हैं आपको जो भी 10,00,000 नौकरी वाला, तो उसका 7,17,000 हो गया, और बाकी बहुत तेजी से काम हो रहा, वो तो हो ही जाएगा। अब 10,00,000 नहीं, हम लोग कर रहे हैं कि 12,00,000 सरकारी नौकरी, और अगला बार जो चुनाव होगा उसके पहले ये भी काम हम लोग करा देंगे। तो सबके हित में सोच लीजिए सब तरह से काम हो रहा है। तो आप जान लीजिए कि एक एक तरह से सभी तरह से, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, मुश्किल हो, सबके लिए हम लोगों ने काम किया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने आपको पहले भी कहा कि मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है, और उसमें उनके जो शिक्षक हैं सरकारी शिक्षक के रूप में उनको भी बराबर दिया जा रहा है, वेतन दिया जा रहा है, हर प्रकार से सारा काम हो रहा है। और महिला सशक्तिकरण के बारे में भी आप जानते हैं हम लोगों ने कब किया, शुरू में ही, जब आप जानते हैं 2006 में पंचायती राज संस्थाएं शुरू कराए
तो उस समय हम लोगों ने महिला को 50% उसमें सुरक्षित कर दिया। और 2007 में जो होता था, जो आप समझिए नगर निकायों में, उसमें भी 50,000 कर दिया। अब 4 चुनाव हो गया, अब कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं उस सब में साथ है। और महिलाओं के लिए हम लोगों ने तो पुलिस, जो महिला पुलिस है, महिलाएं हैं पुलिस में, उसको भी हम लोगों ने 35% आरक्षण दिया। और अभी पुलिस में जो महिला पुलिस है उसकी संख्या 30,000 से भी ज्यादा है, और देश के किसी भी राज्य में किसी को पुलिस में इतने लोग नहीं हैं, ये हम लोगों ने करा दिया। तो इस सब तरह से एक एक काम हम लोग करा ही रहे हैं, और आप समझते ही हैं कि सब प्रकार से सभी तरह से हम लोग काम करा रहे हैं। और उसके अलावे हम लोगों ने 16 से महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% का आरक्षण किया। आप कितनी बड़ी संख्या में हर क्षेत्र में महिलाएं उसमें आ रही हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है। एक एक तरह से हम लोग काम करा रहे हैं, और सब जगह से हम लोगों ने सबके लिए काम किया। और इसके अलावे तो आपको एक बात बता दें कि स्वयं सहायता समूह जो था, तो हम लोग केंद्र में, हम तो एमपी भी थे, मंत्री भी थे, जगह जगह घूमे थे, तो देखा स्वयं सहायता समूह में देश के विभिन्न हिस्सों, दुनिया के देश भर में बहुत अच्छा और खूब रहती थी। लेकिन जब हम लोग 5 में यहां आए तो हम देखने के लिए गए तो देखा कि कुछ ही जगह पर थोड़ी बहुत है, ज्यादा नहीं, बहुत कम। तो हम लोगों ने 6 में ही तय कर दिया, विश्व बैंक से कर्ज लेकर के हमने स्वयं सहायता समूह के विस्तार का काम किया, और काफी विस्तार हो गया। और जो महिलाएं उसमें थी उनका नाम हमने ही जीविका दिया, उनको जीविका दीदी कहते हैं। और उसके बाद जो केंद्र वाला हम लोग खिलाफ था वो भी आया था देखने के लिए, यहाँ कांग्रेस का राज था तो वो आया देखने के लिए हमको, तो देखा कि भाई आप बहुत बना दिए हैं स्वयं सहायता समूह, आप महिला का नाम आप दे दिए हैं जीविका। तो उन्होंने कहा कि हम पूरे देश में महिलाओं का नाम जो स्वयं सहायता समूह में रहेंगी उसका नाम आज जीविका कर देंगे। आप जरा बताइए, जीविका हम लोग बनाए और देश भर में आज जीविका वही रखा, और हम सब जीविका दीदियां कहते हैं। आ कितनी बड़ी संख्या में हो गई आप जानते हैं? आप जीविका दीदियों की संख्या कितनी हो गई? स्वयं सहायता समूह में 10,61,000, आज जीविका दीदियों की संख्या 1,31,00,000। और अब हम लोगों ने शहरी क्षेत्र में भी स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदियों का किया, उसमें भी अब काम शुरू करा दिया। तो हर तरह से हम लोगों ने काम किया है, और आप जान लीजिए कि कितनी बड़ी महिलाओं के लिए हर जगह हम लोगों ने काम किया, सब लोगों के लिए। और 2023 में आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराई, और जाति आधारित गणना में भी हम लोगों ने ये तय कर दिया कि कौन परिवार के लोग गरीब हैं, चाहे वो ऊंची जात के हों, गरीब हों, जो कुछ भी जाति के हों, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, अपर कास्ट के हों, मुस्लिम हों, सब तरह के लोगों का हम लोगों ने उसमें देख लिया, और उसके हिसाब से हम लोगों ने सब कुछ कराया है जाति आधारित गणना उसका। और उसमें हम लोगों ने यह तय किया था कि कौन गरीब है, चाहे वो किसी भी जात का, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम, कोई हो। तो उसको हम लोगों ने देखा तो कुल संख्या मिली है 94,00,000 गरीब परिवार। हाँ, वो अपर कास्ट के भी हैं, पिछड़ा भी है, अति पिछड़ा है, दलित महादलित हिंदू मुस्लिम सब है। और उसके लिए राज्य सरकार ने तय कर दिया कि उनके विस्तार के लिए हम लोग काम करेंगे, और शुरुआती दौर पर भी हमने उन परिवारों के परिवार के लिए 2,00,000 रुपया सरकार की तरफ से मदद देने की शुरुआत कर दी है। अभी 4-5 साल में ये सारा का सारा काम हम लोग कराएंगे। तो हम बताना चाहते हैं कि भाई हम लोग तो काम किए, और उसी तरह से हम लोगों ने इतना ज्यादा काम किया, और आगे भी हम लोग
जो भी पहले से साथ थे वही मिलके काम करेंगे, बीच में कोई इधर उधर आए उनको अब हम लोग कभी कोई साथ नहीं लेंगे, हम लोग एक ही साथ रहेंगे और सब लोग मिल करके हम लोग काम करेंगे। यही हम आपको कहना चाहते हैं। और गया जिले में भी बहुत काम किया। अरे गया का कितना महत्व है, गया है, बोध गया है, उसके अलावे भी है, बहुत महत्व है। हम लोग तो पहले भी जब यहां पर हम कोई सरकार में थे तभी उसके पहले भी हम लोग खूब घूमते थे और खूब देखते थे। तो यहां पर आपके जिला से हमको कितना महत्व है। हम लोगों को जब मौका मिला तो आपके लिए बहुत कुछ करने की हम लोगों ने कोशिश करा दिया। और सब तरह से आप समझ लीजिए, महिला आईटीआई सभी अनुमंडलों में, आईटीआई, जीएनएम संस्थान, पारा मेडिकल संस्थान, नर्सिंग कॉलेज शामिल किया है, इंजीनियरिंग कॉलेज के नए भवन बनाए गए हैं, हर तरह से केंद्रीय विश्वविद्यालय और भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना हम लोग गया में किए हैं और कर रहे हैं। हर तरह से एक एक तरह से काम हो रहा है। हर वर्ष पितृपक्ष मेले का आयोजन होता है, आप तो गया का जानते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। विष्णुपद मंदिर में लोगों के साथ दर्शन एवं पूजा की सभी सुविधाएं की गई है। रबर डैम बनाया गया है और जिसे गया जी रबर डैम का नाम हम लोगों ने दिया है। हर तरह से एक एक काम किया है। अब जो लोग आते हैं बड़ी संख्या में बाहर से, अब उनकी संख्या कितनी बढ़ रही है। सब तरह से हम लोगों ने कहा है, सीता कुंड जाने के लिए फल्गु नदी पर सीता सेतु का भी निर्माण कराया। एक एक तरह से हम लोग सब काम करवा रहे हैं और कोई चीज को नहीं। बोध गया के लिए भी हम लोगों ने एक बार बोध गया में हमला कर दिया था कोई, तब बोध गया का भी हमने पूरी घेराबंदी कराई और सब तरह से काम किया। वहां पर पुलिस को लगा दिए और कहा कि भाई कोई इधर उधर नहीं कर सके, अब कहीं से भी कोई गड़बड़ नहीं कर सकता है। तो हर तरह से एक एक काम हम लोगों ने पूरा करवा दिया है। और आपके यहाँ गया का या बोध गया का सबके लिए भी काम, और पूरे गया के विभिन्न जगहों पर, सभी जगह पर हम लोग लोगों के हित में काम करते हैं। और यहाँ पर तो बेलागंज विधानसभा में हम आपसे कहने, उम्मीद करने के लिए आए हैं कि मनोरमा देवी को जिताइए। और आप देख लीजिए कि बेलागंज के लिए भी हम लोग घूमते हैं कई बार, और बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में भी विकास के सारे काम करा दिए गए हैं। चाहे हर घर बिजली हो, हर घर नल का जल हो, हर घर शौचालय हो, ये सब काम हम लोगों ने बनाया है। अब बहुत सभी टोलों में पक्की सड़क जोड़ा गया है, उनके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। और जो 2025 में चुनाव होने वाला है उसके पहले बाकी सब के लिए भी हम लोग जो भी कमी है उस सब काम को हम पूरा कर देंगे। तो ये सब हम लोगों का अपना लक्ष्य है और इसी तरह से हम कर रहे हैं। और बेलागंज में अनेक सड़क और पुलों का निर्माण कराया गया है, 166 ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया गया है। हर तरह से एक एक तरह से काम कराया गया है। बेलागंज में बिजली की नियमित आपूर्ति के लिए एक ग्रिड सब स्टेशन और 2 विद्युत उपकेंद्रों का निर्माण किया गया। सिंचाई हेतु 3 डेडिकेटेड कृषि फीडर का निर्माण आपके यहाँ भी करवाया गया। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। बिजली से सिंचाई करना डीजल से काफी सस्ता पड़ता है, इसीलिए हम एक एक काम करवा रहे हैं। और कोटेश्वर धाम भगवान शिव का मंदिर है, यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं, इसलिए यहाँ पर लोगों के लिए सुविधाओं का भी विकास कराया गया है। और हर तरह से पंचायत सरकार भवन में भी, तो यहाँ पर तो 4 पंचायत सरकार पहले से बना, अभी हम लोगों ने तय किया है कि तुरंत सब लोगों को बना देंगे और तय कर दिया है कि अगले बार जो चुनाव है उसके पहले ही सब तरह से पंचायत सरकार भवन भी एक एक तरह से बन जाएगा। तो अब तो हर क्षेत्र में काम हो रहा है। मैं तो यही कहूंगा कि सब जगह हम लोग देखते रहते हैं और हम लोगों के सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। उम्मीदवार श्रीमती मनोरमा देवी जी को बनाइएगा, आपको हम यही कहते हैं, वो तो देखने वाली हैं। अब बहुत साफ साफ भाषण दिए, कितना सब बात बोल रही थी। तो बैठा 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 अभी तू
तो ये सब की, तो आप जान लीजिए कि आपके यहाँ कहीं कोई कमी होगा, ये हमारे पास तुरंत कहेगी और तुरंत हम लोग उस काम को पूरा करेंगे। और आप तो अभी दे रहे हैं, अगला बार भी इनको आगे बढ़ाइए तो खूब आपके काम को आगे बढ़ाएंगी। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि सब काम हम लोग सब काम कराएंगे और तेजी से कराएंगे। और आप लोगों को मालूम है केंद्र में एनडीए की सरकार ने और बिहार के विकास में केंद्र का भी सहयोग मिला है, इसलिए हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का मैं नंदन करता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि अब देख लीजिए हम लोग कम कर रहे हैं, केंद्र पूरा अब मदद कर रहा है, अब लेकर के बिहार कितना आगे बढ़ जाएगा आप सबको कहेंगे और कहीं कोई चीज को कमी नहीं होने देंगे। हम यही कह रहे हैं, इसीलिए हम आपसे ही अब अधूर करेंगे कि भाई मनोरमा देवी हैं, इनको पूरे तौर पर हम चाहते हैं कि इनको जिताइए। और हमने आपको पहले भी बताया वो बहुत काम करने वाली महिलाएं हैं, और आपको बता दिया है अगर कहीं कोई जरूरत होगा ये कहेंगी और वो काम होगा। इसीलिए हम तो आपसे ये आग्रह करेंगे कि हम लोगों ने उनको उम्मीदवार के रूप में आपके बीच में लाए हैं, तो हम तो यही अनुरोध करेंगे कि उनको जिताइए, आप भारी मतों से जिताइए। तो आप बोलिए उनको जिताइएगा ना, हाथ उठा के बताब है, सब लोग हथवा उठा के बताइए। अब इधर आइए, आइए आइए इधर आइए, अब आपने हाथ उठा करके बता दिया कि इनको जिताएंगे, तो मुझको पूरी उम्मीद है कि जरूर जीतेंगे मनोरमा देवी जी। आपने कर दिया, हम लोगों ने इनको दे दिया जीतने का कि ये जरूर जीतेंगी। और मैं तो यही कहूंगा कि भाई ये जीतेंगी, और दूसरी बात है ये जीतेंगी तो आपके हित में जहां कहीं भी जो कुछ भी करना है उस काम को करेगी, और हम लोगों का पूरा सहयोग और मदद आपको रहेगा। इसलिए आपने हाथ उठा करके बताया है तो आप जरूर दीजिएगा, और हम सब लोगों के हक में काम किए हैं इसलिए हम इतना कहेंगे। तो आपने बता दिया तो बहुत अच्छा है, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं, अरे आप सब आइए, सब आइए, हाँ, आपने जिस तरह से कह दिया है अब आप उसी तरह से पूरा वोट दे करके भारी मतों से जिताइए। और हमने कह दिया कि आपके लिए जो भी कमी होगी, वहां पर कुछ बोल रही थी, हम छोड़ेंगे नहीं, पूरा का पूरा काम आपका कर देंगे। तो यही हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं, आइनी सब